नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज रिजल्ट्स, प्रयागराज.com, जो कि पहले kingcraft.com था। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से यूपी जूनियर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन फॉर्म जो इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। यूपी जूनियर इंजीनियर भर्ती, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 196 पोस्ट है। डिप्लोमा आपका इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसके इम्पोर्टेंट लिंक, वेबसाइट, नोटिफिकेशन, सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। कैसे इसका कहां से आप देख सकते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है और वेबसाइट का नाम है प्रयागराज.com, जो कि पहले kingcraft.com के नाम से थी। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया, आप देख लेना। अब आइए देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जस्ट अभी 18 तारीख को ही इसकी सारी नोटिफिकेशन निकली हुई है। तो नोटिफिकेशन आउट 18/3/2021 को हुआ है। तो फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, लास्ट डेट, एग्जामिनेशन फीस, मॉडिफाई डेट और एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, ये सारी चीजें अभी सून है, कमिंग सून है। तो अभी तो इसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही आएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर, हर जगह मैं अपडेट कर दूंगा। आप वहां पर मुझे ट्वीट करेंगे तो मैं आपको जवाब जरूर दे दूंगा। इसके बाद आइए देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को ₹700 देना पड़ेगा, SC ST PH वालों को ₹500 देना पड़ेगा। पेमेंट कैसे करना है तो आइए देख लेते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करता हूँ तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 40 वर्ष हो सकती है। न्यूनतम अनुसार आपका जो आयु में छूट मिलना है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन रीड कर लेना है। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं, चार पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट है तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पर मैं पहले बता दूं तो 196 पोस्ट है। फर्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 69 है एलिजिबिलिटी। योग्यता संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर पढ़े, जो कि वेबसाइट पर आने वाले टाइम पे अपलोड हो जाएगा, अभी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसी पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए यहां पर अगर मैं टूट पूरी की बात बात करता हूं तो यहां पर जनरल वालों के लिए 42 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 15 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, SC ST के लिए क्रमशः 5 और 3, टोटल पोस्ट 69 है, आप यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये रहा जूनियर इंजीनियर, वो भी इलेक्ट्रिकल से। अब आइए देख लेते हैं दूसरी पोस्ट, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल से, टोटल पोस्ट 78, संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अधिक जानकारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, अभी अपलोड नहीं है वेबसाइट पर। जैसे ही अपलोड होगा मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक, ट्विटर पर डाल दूंगा। इसमें जनरल में 46 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, SC ST के लिए कम से कम 6 और 4, टोटल 78 पोस्ट हैं। तीसरी पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 39 पोस्ट है एलिजिबिलिटी, संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से किया हुआ है, कंट्रोल है, ये सारी चीजें में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको उसी ट्रेड में डिप्लोमा किए होना चाहिए, वेबसाइट पर दिया होगा आने वाले टाइम पे। तो जनरल के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, SC ST के लिए क्रमशः 3 और 2 है, टोटल पोस्ट 39 पोस्ट है। चौथी पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आईटी के लिए भी ऑप्शंस हैं, जूनियर इंजीनियर वो भी कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल पोस्ट 10 है, संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अधिक विवरण जल्द ही उपलब्ध होगा, वो भी वेबसाइट पर। तो जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, SC ST के लिए कम से कम 1 और 0, टोटल पोस्ट 10 है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं किस पोस्ट में आपको जाना है, किस कैटेगरी में।
अब आइए मैं बात कर लेता हूँ ऑफिशियली लिंक के बारे में, जहां से ये मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इसका ऑनर मैं नहीं हूँ, इसका ऑनर UPRVUNL.org है, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये रहा वेबसाइट का लिंक, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले तो मैं इसी के वेबसाइट पर दिखा दूंगा, उसके बाद नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पर भी नोटिफिकेशन के सामने क्लिक कर सकते हैं। अभी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो लिंक है वो एक्टिव सून है, मतलब कमिंग सून है, इसका जो अप्लाई अभी आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन के आप ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसके नोटिफिकेशन पर आप पहुंच जाएंगे। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो गया 18 तारीख को। तो यहीं पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यहीं पर इंजीनियरिंग की ढेर सारी वैकेंसी निकली हुई है। पद का देखिए नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद विधा में दिया हुआ है, विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर सब की जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, कंट्रोल होता है, वो सब पद दिया हुआ है। टोटल पद यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जो कि वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज है, जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीएसटी, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी जो आश्रित हैं वो, उनकी सारी पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कितनी क्या क्या वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो 196 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे नीचे अगर आप देखने वाली बात है तो ये जो विज्ञप्ति है यहाँ पर देखिए www.uprvunl.org पर दिनांक 18/3/2021 को देखा जाएगा। तो अभी तक तो खैर नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो आप मेरे साथ मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट मैं देता रहूंगा। आप लोग वहां पर मुझे कमेंट और कॉल वगैरह करेंगे तो एक एक चीज के मैं इंफॉर्मेशन आपको हैंड टू हैंड दे दूंगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो एक एक चीज मैं आपको फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भी भरवा दूंगा, इसका सिलेबस वगैरह भी आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, तो ये रहा इसकी नोटिफिकेशन। तो आइए अब आइए देख लेते हैं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट, तो ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन आउट किया है। तो इसको स्क्रॉल करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट को, सबसे नीचे जाएंगे कैरियर के ऑप्शन पर, ये रहा कैरियर का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कैरियर के ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो रिक्रूटमेंट नोटिस यहां पर आ जाएगा और यहीं से आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा फ्यूचर में, जैसे इसका आगे का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देन आपको सबसे टॉप पर ही देखने को मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट, देखिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। ठीक है, तो आपको इसी के ऊपर आपको व्यू एंड डाउनलोड कर लेना है, या फिर देखिए यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन अभी केवल और केवल इतना ही इन्होंने शो किया है जो इसका प्रेस विज्ञप्ति है। तो मैंने यहीं से सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया है, तो यहीं से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे और इस वेबसाइट के नीचे यहां पर दे दिया है। मेरे सोशल मीडिया पर आप मुझे यहां से फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, हर जगह कहीं पर भी आप मुझे फॉलो करके आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा, हैंड टू हैंड, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे भी आपको चाहे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।